हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। एज यू नो दैट वी हैव डन टिल हियर, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंस। मींस एडोलेसेंस में जो बच्चे प्यूबर्टी के टाइम में आते हैं तो उनको क्या अच्छी डाइट्स लेनी चाहिए, तो लेट्स डिस्कस इट। एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि आपको पता है कि एडोलेसेंस में आपकी रैपिड ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होता है। Hence, the diet for an adolescent has to be carefully planned. You've already learned about what is a balanced diet. तो आपको पता ही होगा balanced diet क्या होती है। आपने class 6 में पढ़ा था, recall that the balanced diet means that the meals include proteins, carbohydrates, fats and vitamins in the requisite proportions, right? बराबर आपके खाने में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। आवर इंडियन मील्स ऑफ रोटी, राइस, दाल, पल्सेस एंड वेजिटेबल इज अ बैलेंस मील। मिल्क इज ऑल्सो बैलेंस फूड इन इटसेल्फ। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर इन्फेंट्स। मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल नरिशमेंट दैट दे नीड फॉर इन्फेंट्स। मीन जो बच्चे छोटे होते हैं, जो अभी अभी पैदा हुए होते हैं, उनको जो उनका जो मम्मी का दूध होता है वो इनको सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल, जैगरी मीट, सिट्रस इंडियन गूसबेरी, आमला आर गुड फॉर एडोलेसेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आयरन बिल्ड्स द ब्लड, यानी कि आपको तो पता ही होगा आयरन से हीमोग्लोबिन बढ़ता है जिससे आपका ब्लड भी बढ़ता है, राइट। तो इस तरीके है ना, हमें आयरन रिच फूड खाना चाहिए, जैसे कि लीफी वेजिटेबल हो गई, आपका गुड़ हो गया, मीट हो गया, सिट्रस फूड हो गए, इंडियन गूसबेरीज, आंवला, यानी कि आर गुड फॉर एडोलेसेंस। ठीक है, चेक द आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर ऑफ योर मील। इज द मील balanced and nutritious? Does it include cereals which give energy and milk, meat, nuts and pulses which provide protein for growth? तो क्या आपकी लिस्ट ये सब कंक्लूड करती है, ये सब आपको बताना है। Also, does it include fats, sugar that give energy? What about the fruits and vegetables that are protective food? ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें मेरे को कमेंट बॉक्स में बतानी है कि भाई क्या आपकी जो लिस्ट है वो ये सारी चीज़ें हैं आपकी लिस्ट में। उसके बाद फिर देखो, चिप्स एंड पैकेट और टिंड स्नैक्स थ्रो दो वेरी टेस्टी बट नेवर शुड बी रिप्लेस फ्रॉम द रेगुलर मील्स एज दे डू नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिएंट वैल्यूज। तो आपको पता होगा कि चिप्स जो पैकेट फूड होते हैं वो होते तो बहुत टेस्टी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास वाली क्वालिटीज़ नहीं होती जो कि आपके रेगुलर मील्स में होती है। डियर स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे एक्टिविटी 7.4 में क्या दिया है। मेक अ ग्रुप विथ योर फ्रेंड्स, राइट डाउन द आइटम्स ऑफ फूड इन योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर यू हैड on the previous day. Identify the items responsible for proper growth. Also identify the junk food that you consume previous day. तो आपको एक मतलब ग्रुप बनाना है, आपको बताना कि आपने क्या लिया था ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आपने पिछले दिन कौन सा जंक फूड खाया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्टिविटी 7.5 में, Get ideas from the pictures given in the figure 7.6. Prepare the charts or posters and paste them in the class so that you are aware of the diet for your adolescents. You may use your creative ideas and present it like an advertisement. You may even organize a competition on this topic. तो आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं इस टॉपिक में डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है डियर स्टूडेंट, आप योग कर सकते हैं। अब आते हैं हम पर्सनल हाइजीन में। एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे। आपको रोज़ नहाना चाहिए डियर स्टूडेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, रोज यू शुड बाथ रेगुलरली। वेट, यू शुड बाथ रेगुलरली, राइट। आपको रेगुलरली बाथ लेनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
It is more essential for teenagers because the increased activity of sweat glands sometimes makes body smelly. क्योंकि adolescence time में बहुत ज़्यादा sweating होती है, आपका बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उसकी वजह से आपकी body बहुत smelly हो जाती है, बहुत बदबू आने लग जाती है. All parts of the body should be washed and clean every day. हर part को आपको अच्छी तरह wash करना चाहिए. If cleanliness is not maintained, there are chances of catching bacterial infection. बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो सकता है अगर आप अच्छी तरह क्लीनिनेस नहीं कर रहे हो अपनी बॉडी का. तो गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनिनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो. जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन होता है, उस समय गर्ल्स को मैं कहना चाहती हूँ जो मेरा वीडियो देख रही है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह केयर लेनी है. हर दिन आपको अच्छी तरह नहाना है और आपको हर दिन अच्छी तरह आपके सैनिटरी पैड्स चेंज करते रहना, जिसकी वजह से कि आपका जो है मेंटेनेंस रहे. अब देखो यहाँ पे, दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन. तो उनको अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल का ट्रैक रखना चाहिए कि भाई आज मेरे को 4 तारीख को ये, तो भाई नेक्स्ट डे मे बी ऑन फोर्थ डेट ओनली आई विल हैव. तो उनको ऐसे ऐसे करके ट्रैक रखना चाहिए. यूज सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होम मेड पैड्स. तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है. और चेंज द पैड्स आफ्टर एवरी फोर आवर्स, क्योंकि वो ज़्यादा तक चल नहीं पाते हैं ज़्यादा देर तक, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो मैं गर्ल्स से कहना चाहूँगी ये सारी चीज़ें. अब फिज़िकल एक्सरसाइज क्या होती हैं? वॉकिंग एंड प्लेइंग इन अ फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी. तो अगर आप वॉक कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं फ्रेश एयर में, तो आपकी बॉडी फिट रहती है और क्लीन रहती है, हेल्दी रहती है. ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स, एक्सरसाइज एंड आउटडोर गेम्स, ठीक है. सारी चीज़ें तो आपको करनी चाहिए. अब यहाँ पे कुछ माइथ्स, टैबोज और डू एंड डोंट्स. तो आपको कुछ माइथ्स होते हैं जो बहुत सारे घर में फॉलो किए जाते हैं, तो ये माइथ्स क्लियर हो जाएंगे आज. यू हैव लर्न हेयर एंड फ्रॉम चैप्टर 6 दैट साइंटिफिक फैक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन. आपको पता है कि आपने इस चैप्टर में और आपके प्रीवियस चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कुछ साइंटिफिक फैक्ट पढ़ लिए थे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स में, ठीक है. देयर आर मैनी रॉन्ग नोटेशंस विच यू शुड नाउ बी एबल टू डिस्कार्ड एज इनफॉर्म्ड एडोलेसेंस. तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें बकवास हैं, खाली आपकी माइथ्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. एग्जाम्पल, देर आर माइथ्स एंड टैबोज रिगार्डिंग द बॉडीली चेंजेस दैट एडोलेसेंस एक्सपीरियंस, ठीक है. सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो एंड यू कैन नाउ आर्ग्यू वाई दीज आर माइथ्स एंड नॉट फैक्ट्स, ठीक है. तो आप डिस्कस कर सकते हो. अ गर्ल बिकेम प्रेगनेंट इफ शी लुक्स एट बॉयज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. गर्ल प्रेगनेंट तभी बनती है जब वो बॉयज को मेंस्ट्रुएशन के समय देखती है. सो दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट, बिकॉज अगर गर्ल को प्रेगनेंट होना है तो शी मस्ट हैव फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द बॉय. दैट्स वाई दैट पूरी प्रोसेस विल बी देयर, राइट. सो इट इज़ नॉट ट्रू डियर स्टूडेंट, राइट. समटाइम्स वॉट हैपन, इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ फिजिकल कॉन्टैक्ट टू बी प्रेगनेंट, राइट. दिस इज़ अ फैक्ट एंड दिस इज़ अ माइथ. अगर वो उस समय बॉयज़ को देखते हैं तो भाई वो प्रेगनेंट हो गए. दिस इज फॉल्स. It is absolutely false, right? ठीक है dear students, the mother is responsible for the sex of her child. यानी कि अगर आपका बच्चा boy होगा या girl होगा, इसके लिए mother responsible है. Absolutely false, dear student. इसके लिए आपके father के जो sperm cells में जो chromosome होता है वो responsible होता है. आपका X chromosome आ रहा है तो girl ही होगी, अगर आपका Y chromosome आ रहा है sperm में तो आपके boy होगा, ठीक है dear student. Girl should not be allowed to work in the kitchen during the menstruation. Menstruation के समय girl kitchen में काम नहीं कर सकती, रसोई में काम नहीं कर सकती. दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स. अगर आपने पूरी मेंटेनेंस करना है तो आप किचन में काम कर सकते हैं. दिस इज़ अ फैक्ट. यू मे कम अक्रॉस मैनी अदर माइथ्स एंड टैबोस. आप और भी बहुत सारे माइथ्स और टैबोस में अकर हो सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो डिस्कार्ड दें, उन सबको आप लोग हटा दीजिए. अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 7.6. कलेक्ट डाटा ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास हु एक्सरसाइज रेगुलरली एंड हु डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली. तो आपको अपनी क्लास का डाटे को बनाना है कि भाई कौन रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, कौन नहीं करते हैं, और डिफरेंस इन देयर फिटनेस हेल्थ, ठीक है. आपको ये करना है काम, ठीक है. से नो टू ड्रग्स. एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ मैनी एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप,
ठीक है। एडोलसेंस आपका ऐसा पीरियड होता है जिसमें आप ग्रो हो रहे होते हैं, आपका माइंड और सारी चीज़ें ग्रो हो रही होती हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सो डू नॉट फील कन्फ्यूज और इनसिक्योर। तो आपको कन्फ्यूज फील नहीं करना है और आपको इनसिक्योर भी फील नहीं करना है। इफ एनीबडी सजेस्ट यू डैट यू विल गेट रिलीफ इफ यू टेक सम ड्रग्स, जस्ट से नो अनलेस इट इज़ प्रिस्क्राइब बाई डॉक्टर। तो अगर कोई आपको सजेस्ट करता है कि भाई आपको इससे आराम मिलेगा अगर आप ड्रग्स लोगे, तो आपको सीधे नो बोल देना है जब तक कि वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब नहीं है, आपको वो चीज़ नहीं लेनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो, ड्रग्स आर एडिक्टिव, इफ़ यू टेक देम वंस यू विल फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन। अगर आप एक बार उनको लेते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई हम फिर से लेते हैं फिर से लेते हैं। सो दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन, वो बहुत ही ज़्यादा बॉडी को हार्म पहुँचाते हैं। दे रुइन द हेल्थ एंड हैप्पीनेस, वो हमारी सब हेल्थ को छीन लेते हैं और हमारी जो हैप्पीनेस जो हमारी खुशी होती है उसको भी वो छीन लेते हैं। सो यू हैव टू नॉट टेक ड्रग्स। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स, एड्स एक डिजीज़ होती है डियर स्टूडेंट जिसके बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट आपकी एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनियो डिफिशियंसी सिंड्रोम विच इज़ कॉज बाय डेंजरस वायरस विच इज़ HIV वायरस। तो आपकी ये डिजीज़ होती है HIV वायरस से। दिस वायरस कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग साइरिंग्स यूज फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स। तो ये वायरस आपका जब आपके इंजेक्शन होता है वैक्सीन होती है उसमें भी जब आपके ड्रग्स होते हैं तो उससे भी ये जा सकता है वायरस आपकी बॉडी के अंदर। इट कैन ऑल्सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेंट फ्रॉम अर मदर थ्रू हर मिल्क। तो इन्फेंट में के अंदर भी ये जा सकता है मदर्स के मिल्क के द्वारा। उसके बाद फिर द वायरस कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV वायरस। तो अगर आप किसी भी पर्सन से कॉन्टैक्ट करते हो फिजिकली तो उसमें भी आपका HIV वायरस आपके अंदर आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट दिस वॉज अबाउट योर HIV वायरस। अब आता है यहाँ पे एडोलेसेंस प्रेगनेंसी, यानी कि जब आप छोटी एज में होते हो आप प्रेगनेंसी, तो उसके बारे में हम यहाँ पे छोटा सा आपको नोट दिया है तो फटाफट इसको पढ़ते हैं। यू माइट बी नोइंग दैट इन आर कंट्री द लीगल एज फॉर मैरिज इज 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज़। आपको ये तो मालूम ही होगा कि 18 साल से ऊपर की गर्ल्स और 21 साल से ऊपर के बॉयज़ ही मैरिज कर पाते हैं। दिस इज़ बिकॉज द टीनेज मदर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मेंटली एंड फिजिकल फॉर मदरहुड। ये टीनेज मदर जो होती हैं वो मदरहुड के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती हैं। अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द मदर एंड द चाइल्ड। इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और ये एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी जो हमें मिलने वाली होती है उसको भी रोक देती है। तो दिस इज इट ऑल्सो कर्टल्स employment opportunities for a young woman and may cause mental agony as she is not ready for responsibilities of motherhood. तो डियर स्टूडेंट ये आप लोगों के लिए है, यह आप लोग घर में ज़रूर पढ़ना। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं कुछ कीवर्ड में, फटाफट कीवर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पर एडम्स एप्पल, तो डियर स्टूडेंट आपको एडम्स एप्पल तो याद ही होगा। ठीक है, तो हम फटाफट जाते हैं एडम्स एप्पल की डेफिनेशन के लिए। यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट्स, ये देखो, तो यहाँ पे आपको दिया है द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज अ प्रोडक्टिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट इज एडोलेसेंस, व्हाट इज द एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का डेफिनेशन आपको दिया है पेज नंबर 1 में। सो यहाँ पे देयर इज द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन बॉडी अंडरगोस चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। नॉट डियर स्टूडेंट आफ्टर दिस वी हैव नेक्स्ट कीवर्ड व्हिच इज एंड्रेलिन ग्लैंड। सो एंड्रेलिन ग्लैंड क्या करती है, आई होप दैट डियर स्टूडेंट ये आपको याद होगा। सी there are other glands also from which we have learned. Yeah, so here are this. So, तो आपका जो होता है adrenaline gland secretes hormones which maintain the correct salt balance in the blood. Adrenaline also produces the hormone adrenaline which help adrenaline. It helps in body to adjust the stress when one is very angry, impressed or worried. ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट।
So a balanced diet is a diet in which meals include protein, carbohydrates, fats and vitamins in the करेक्ट प्रपोर्शंस। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट है इंड्रोक्लाइन ग्लैंड्स। तो इंड्रोक्लाइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो हेयर, या हेयर ऑन ना। सो इंड्रोक्लाइन ग्लैंड्स के बारे में, जैसे कि आपने पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड इंड्रोक्लाइन ग्लैंड्स आर इन द ब्रेन विच स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हारमोन्स, राइट। सो यहाँ पे देखो, इंड्रोक्लाइन ग्लैंड्स रिलीज हारमोन्स इंटू द ब्लड स्ट्रीम टू कैच द पर्टिकुलर बॉडी पर्टिकुलर पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। ठीक है, और यहाँ पे देखो, इसकी आपको प्रॉपर डेफिनेशन भी मिल जाएगी। द चेंज विच अकर एट द एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय द हारमोन्स। हारमोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस, दीज आर सिक्रीशंस फ्रॉम इंड्रोक्लाइन ग्लैंड और इंड्रोक्लाइन सिस्टम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, विच इज ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन इज द फीमेल हारमोन, राइट। ईस्ट्रोजन के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही था 7th पेज नंबर में। लेट्स स्टडी। सो डियर स्टूडेंट, इधर आपको दिया है इनके बारे में, ये देखो ईस्ट्रोजन। तो आपका वंस द प्यूबर्टी इज रीच गर्ल्स ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन ऑन ईस्ट्रोजन। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट इज हारमोन्स। तो हारमोन्स आर सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड एट द सडन टाइम ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, देन वी हैव इंसुलिन। इंसुलिन इज ऑल्सो टाइप ऑफ यू नो हारमोन विच इज सिक्रीट बाय विच ग्लैंड, इट इज सिक्रीट बाय पेनक्रियाज। ओके, देन लाइनेक्स, वॉट इज द लाइनेक्स, हियर इट इज गिवन, राइट। देखो, एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और लाइनेस बिगेन टू ग्रो। ठीक है, तो इन वॉइस देर इज ए लाइनेक्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ वॉइस बॉक्स। ओके, एंड बॉयज डेवलप अ लार्जर वॉइस बॉक्सेस। वॉइस बॉक्सेस मीन्स लाइनेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। वॉट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज गिवन हेयर। ओके, सो हेयर इट इज गिवन अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। सो द प्रोडक्शन ऑफ दीज हारमोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर टाइप ऑफ हारमोन सिक्रीटेड फ्रॉम अ एंड्रोक्लाइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इज योर प्यूबर्टी। वॉट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी, you all know that sudden, this first page definition is already given there. So see, it is given that human body undergoes several changes during adolescence. These changes are marked onset of puberty. So this only you have to write, dear student. Next, your keyword is reproductive health. So here only it is given. Okay dear students, see, the physical and mental well-being of individual is regarded as to an individual's health. To keep the body healthy, every human being at every age needs a balanced diet. The person must also observe the personal hygiene and undertake the adequate physical exercise. Theek hai, so this is your reproductive health paragraph. Okay dear student, now see, your next is secondary sexual characteristics. So as you know that primary ones was ovaries and testes in males. So in secondary sexual characteristics in males it was mustaches, and in females the breast development and the pelvic region become wider. So this we have already read. Then we have sex chromosomes. Sex chromosomes are nothing but they are something present in the sperms, which is every human being. So here it is perfect definition, dear students. Wait, here is perfect definition. Yes, here is perfect definition. So here is written, all human beings have 23 pairs of chromosomes in which the in the nuclei of the cells, two chromosomes out of these are sex chromosomes, which are X and Y. So this we have to write. And then the next is target site. So what is target site, dear student? This is already given to you.
Yes. Here it is given, right? Here it is given, dear students. See very carefully. Endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach into the particular body part called target site. ठीक है. Now see. And now if you wanted to write the definition of target site also, then you can write target site respond to the hormones. There are many endocrine glands or ductless glands in the body. So this you can write. Next, dear students. टीस्ट्रोट्रोन. तो वॉट इज टीस्ट्रोट्रोन? टीस्ट्रो जो ट्रोन के बारे में भी आपको यहाँ पे दिया है डेफिनेशन. सी डियर स्टूडेंट्स, हियर इट इज गिवन. या ट्रोन, टीस्ट्रोस्ट्रोन मेल हार्मोन और टीस्ट्रोट्रोन. सो मेल हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड टीस्ट्रोट्रोन. So dear students, next we come to our next keyword, which is thyroxine. Thyroxine is something which is secreted by thyroid gland. Okay, then voice box, you already know larynx, which is responsible for voice, harsh voice. Okay, so now we have already done the keywords, so we will move on to question answers in our next chapter. Thank you dear students for watching the video. I hope that you like it and enjoy it. Thank you so much for watching. Please like, share, subscribe and comment. Thank you.